आपका नाम? माय नेम इज़ आफिया। किस क्लास का एग्ज़ाम था? कॉमर्स 10th 11th। कैसा गया एग्ज़ाम? इट वॉज़ वेरी एक्सीलेंट एंड इट वॉज़ वेरी ईजी। मतलब लगा नहीं रहा था कि ये कॉमर्स का एग्ज़ाम है। इट वॉज़ वेरी ईजी। क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे? MCQs टाइप क्वेश्चन थे। नॉट मच दैट डिफिकल्ट दैट आई एक्सपेक्ट। इट वॉज ईजी टाइप। आपने तैयारी कहाँ से की थी? जामिया बुक ऑफ जामिया मिल्ल इस्लामिया गाइडलाइन एंट्रेंस बुक। आप बता सकती हैं आप कह रहे हैं जिस हिसाब से ईजी, तो कट ऑफ किस किसी जाएगी? हाई लो? नहीं, हाई जाएगी। प्लस 80। जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जामिया की तैयारी करेंगे उनको कोई सजेशन देंगे आप? यही दूंगी कि मैं अगर आप वो लोग 1 month के अंदर पूरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हैं तो इट वॉज वेरी ईजी, और अगर आप लोग कुछ नहीं कर पाते इट वॉज वेरी टफ फॉर एवरी स्टूडेंट। थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम? आलिया रहमान। किस क्लास का एग्ज़ाम था? 11th कॉमर्स। कैसा गया? बहुत अच्छा। कहाँ से तैयारी की थी? मैं बिहार में रहती हूँ तो उधर ही से की थी। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मॉडरेट थे, मतलब ईजी थे, ना ज़्यादा हार्ड थे ना ज़्यादा ईजी थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे? हाँ देखे थे। कौन सा? तो उसमें अगर कंपेयर करें आज के पेपर से तो कितना था डिफिकल्ट? मेरे को आज वाला ज़्यादा ईजी लगा, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होनी चाहिए? 80+ आ जाएगा। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती नहीं। और आपको 2 hours मिलते हैं 100 questions के लिए, तो क्या ये इनफ होती है? बहुत ही इनफ है, आराम से। इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? इजी थे। मतलब ज़्यादा रीजनिंग वाले होते या ज़्यादा न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल। आप नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो रामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कोई सजेशन देंगी? वही करे, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देखे, इजी है वो होगा अगर वो कर ले तो। ओके, आई होप आप सेलेक्ट हो जाए। थैंक यू। मतलब अच्छा था, ज़्यादातर अच्छे क्वेश्चन आए थे। सोशल साइंस से तो ज़्यादा अच्छा आया था, मतलब ज़्यादा सही था उससे, और बस थोड़ा डिफिकल्ट मैथ्स में लग रहा था, बट नॉर्मल था, अच्छा था। तो मतलब तैयारी कहाँ से की थी? मैंने यूट्यूब से कर रखी थी, वैसे कोई क्लास कोचिंग तो नहीं ज्वाइन की थी, ऐसे नॉर्मल यूट्यूब से पढ़ रखा है। और तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे? हाँ, वो तो। कितने सॉल्व किए आपने? मैंने 3-4 सॉल्व किए थे। वैसे कंपेयर करें तो आज का ईजी था या डिफिकल्ट? ईजी था, नॉर्मल था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। मतलब कॉमर्स का पेपर है तो ऑब्वियसली मैथ्स तो अच्छी खासी आती होगी। हाँ, वो तो इस तरह का मैथ्स का ज़्यादा न्यूमेरिकल्स था, रीजनिंग वाला पोर्शन मैथ्स का ज़्यादा? नहीं, रीजनिंग टाइप में नहीं था, ऐसे ही MCQ टाइप में नॉर्मल थे। इंग्लिश भी थी? हाँ, इंग्लिश भी थी। मैथ्स और इंग्लिश के अलावा और किससे पोर्शन पूछा? और जनरल नॉलेज था, और सोशल साइंस था जो आता है वो था, और ठीक था सब कुछ। तूने प्रेफर? आपका नाम? जी, अहमद। कैसा गया एग्ज़ाम? सिंपल था, मैथ बहुत ज़्यादा सिंपल थी और SST भी सिंपल थी। सोचा था कि GK हार्ड आएगी बट वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। ओवरऑल अच्छा था पेपर। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे? नहीं देखे। आपने इसे तैयारी कहाँ से की? एजुकेशन अड्डा के वो 1 shot लेक्चर्स देखे थे, 100 questions के, 300 questions के, वही वाले। अच्छा, जामिया बोलता है अपने पोर्टल सिलेबस पे कि आपका जो भी सिलेबस आएगा एंट्रेंस का वो सब कुछ NCERT से आएगा, तो आपने इसके NCERT से आया? NCERT बेस्ड ही होता है, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो बॉक्स इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं जो लोग नहीं पढ़ते हैं, बाकी पूरा होता है। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस आउट ऑफ हो जाते हैं कभी कभी। इसके अलावा आपने कोई गाइड ली थी? NCERT। आप नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगे? मैं यही सजेशन दूंगा, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई भी मिस ना करो, सारी लाइन मतलब पढ़ो तो पक्का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, आई होप आप सेलेक्ट हो जाए। थैंक यू। आपका नाम? अरसलान। कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत अच्छा गया। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? सारी टाइप की थी। मतलब मैथ्स पे ज़्यादा फोकस था, इंग्लिश किस पे ज़्यादा फोकस? ज़्यादा फोकस तो सोशल पे था क्योंकि वो 40 marks की थी ना। जो मैथ्स में क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऐसे थे कि ज़्यादा सॉल्व करने पड़ रहे थे या इजीली सॉल्व? ज़्यादा सॉल्व करने ही पड़ रहे थे। तो फिर 2 hours का टाइम इनफ था या कम था? कम था आपके लिए। आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे? जी। कितने सॉल्व किए थे? बहुत किए थे, पूरी गाइड लगा दी थी। तो आज अगर कंपेयर करें तो पेपर ईजी था या डिफिकल्ट? मैथ बहुत हार्ड। कॉमर्स लेवल की तो बहुत ही हार्ड थी मैथ। कॉमर्स में कोई यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी बेफालतू में आई इतनी हार्ड। तो जामिया जैसे बोलता है कि NCERT के सिलेबस पे बेस्ड एंट्रेंस होगा, तो आपने NCERT के मुताबिक मैथ्स नहीं थी?
थोड़ा बाहर से थी कॉमर्स में मत देना, मैथ में फोकस ज्यादा थी, बाहर से प्रिपरेशन करेंगे उन्हें क्या सजेशन दें? कॉमर्स में मत देना, मैथ में फोकस ज्यादा थी, बाहर से प्रिपरेशन करें क्योंकि ये थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा एनसीईआरटी का रेशियो, एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छा। ओके, आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए।